बड़े बाबू, हमसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो अभी जवान हूँ, जवानी भी नहीं जिए, और आप तो जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ, मुझे और मारने की क्या जरूरत है? अरे कुछ करो बड़े बाबू, इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोको मेरे मालिक। मेरा काम ठीक से किया होता तो जवानी में मरना नहीं पड़ता था। क्या बात कर रहे हैं आप बड़े बाबू, हर चीज तो प्लान के हिसाब से हो रही है। मुझे अपने मामा जी के घर से सीधे उसी पागलखाने में जा रही है जहां आपने बताया। शराब, जस शराब। तुम काम में भी कच्चे हो और खबर रखने में भी। तुम्हारे प्यारे भाई नरेन व्यास ने मेरी पूजा से शादी कर ली। कर ली। यू इग्नोरेंट फूल। नहीं 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 बड़े बाबू, अरे कुछ गलत फहमी हो गई है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी में तो तुम जी रहे हो राहुल व्यास, इसीलिए तो तुम्हें मरना पड़ रहा है। ये काउंटडाउन बिगिंस नाउ। माफ कर दो प्लीज। अरे मेरे अन्नदाता प्लीज, सॉरी गलती हो गई, मैं सब 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 सही कर दूंगा। 10 9 8 6 बधाई हो मामा जी। हमारी छोटी बहना के तो हाथ पीले हो गए, मानना पड़ेगा कमाल की शादी थी। मतलब इतनी अच्छी शादी हमने तो कभी नहीं देखी। बहुत किस्मत वाली है हमारी बहना, उसे तो राम भी मिले और दशरथ जी भी। क्यों पड़ी हो मेरी बच्ची के पीछे तुम? उससे छीनने के लिए अब बचा ही क्या है? अभी तो सिर्फ भगवान ने अपनी लाठी चलाई है मामा जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो अपना कर्तव्य अब दिखाएंगे। वैसे मामा जी, आपके दोगलेपन की भी दाद देनी पड़ेगी। नाचने गाने को नीची नजर से देखने वाले आज खुद अपनी भांजी को डांस क्लास भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, यही पुराने हिसाब किताब चुकता करने तो आए हैं। और वैसे भी मामा जी, एक भांजी के चले जाने के बाद घर तो सूना सूना ही लगेगा ना, इसलिए तो भगवान ने आपको ये दूसरी भांजी दी है, ताकि आपका मन लगा रहे। फिलहाल चलते हैं, लेकिन लौटेंगे जरूर अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ी और शरारत करने।